वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। इससे पहले हमने 21 तक सभी को एक एक करके डिस्कस कर दिया है। 22 में 3 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे बीजोमेरिक प्रभाव को समझाइए, ठीक है। बीजोमेरिक पढ़ना है आपको, इंडक्टिव पढ़ना है, और एक और होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजोमेरिक प्रभाव को समझाइए, ठीक है, क्या होता है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, और किसी भी तरह की जानकारी से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं मीजोमेरिक प्रभाव की, क्या होता है। मीजोमेरिक प्रभाव आपका दो तरह का होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। प्लस एम कहते हैं, और एक क्या होता है आपका माइनस एम, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें जो हमारा अल्टरनेट डबल बाउंड होता है, ठीक है, एक सिंगल बाउंड डबल बाउंड, सिंगल बाउंड डबल बाउंड, कार्बन कार्बन के बीच में, उससे जो एक ग्रुप या समूह लगा होगा वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों को मतलब कार्बन चेन को देगा, या कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ठीक है। तो वही क्या कहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से ट्रांसफर या स्थानांतरण क्या कहलाता है आपका, मीजोमेरिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है, जो कि किसके समान होता है आपका, इलेक्ट्रोमेरिक के समान होता है। तो हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, कह रहा है मीजोमेरिक प्रभाव आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान होता है, ठीक है, किसके समान होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान होता है। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूरी तरह से हो जाता है, कैसे हो जाता है, पूरी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे, ठीक है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक एक इसमें से कोई एक स्पीसीज क्या करेगी, ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। किंतु यह अभिक्रियाकारी अणु में सदैव विद्यमान रहता है, कोई भी आपका रिएक्टिव होगा, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कैसा होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यह एक कैसा होता है, स्थायी प्रभाव होता है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं होता है, आपका एक स्थायी परमानेंट इफेक्ट होता है। किसी अणु में बहुगुणित, ठीक है, मल्टीपल सह संयोजक बंध की उपस्थिति, अथवा आपका क्या होगा, किसी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन युक्त ऐसे परमाणु की उपस्थिति के कारण होता है, किसके कारण होगा, एक कोई आपके कोई मॉलिक्यूल होगा आपका, ठीक है, सी एच फोर की बात कर लो, या सी एच टू लिख दूँ यहाँ पर, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी अणु होगा इसमें कैसे बॉन्ड होंगे आपके, बहुगुणित, ठीक है, बहुगुणित सह संयोजक बंध की उपस्थिति के कारण, या दूसरा क्या कह रहा है, किसी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन युक्त ऐसे परमाणु की उपस्थिति के, कोई क्या होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त तो ऐसा परमाणु होगा जिसपे क्या होगा, लोन पेयर लगे रहेंगे, ठीक है, इसके कारण ये उपस्थित होता है। कह रहा है जो कि एकल और युग्म बंध के संयुग्मन, एकल और युग्म मतलब पहले सिंगल बाउंड, फिर क्या होगा आपका डबल बाउंड, फिर सिंगल बाउंड, फिर डबल बाउंड, ठीक है। तो यही लिखा है, एकल और युग्म बंध के संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन में स्थित रहता है, सिंगल डबल, ये आपका कहलाता है संयुग्मन, ठीक है, एकल और डबल बॉन्ड का संयुग्मन। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखो हम बात करते हैं इसके बारे में, एग्जांपल दे रखा है आपको, यहाँ पर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड इससे लगा हुआ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आपका क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। अब इसमें अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में, तो आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक। तो इस पे कैसा आ जाएगा, प्लस माइनस का चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इस पे पहले से प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाने के बाद भी उस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे आपका माइनस चार्ज आ जाएगा तो उतना ही कार्बन पे कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट और बराबर, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कैसा शो करेगा, ये आपका शो करेगा माइनस एम इफेक्ट को। इसमें जो आपका CO ये ऑक्सीजन वाला समूह है, ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है NH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जब ये अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर कैसा आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव, ठीक है, कितना आ जाएगा,
पॉजिटिव, जितना इस पे माइनस का आएगा उतना ही इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे दिखाई दे रहा है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा इधर, तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और ये मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पर आपका बन गया है। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो इस पर इसने जब इलेक्ट्रॉनों को खींचा तो इस पर प्लस का आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके, एक डबल बॉन्ड, मतलब कि जो पुराने डबल बॉन्ड है हमारे वो टूट जाएंगे, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो इस पर कैसा आ जाएगा आपका, माइनस का चार्ज, और इस पर कैसा आ जाएगा आपका, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये शो कर रहा है कौन से प्रभाव को शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट को ये शो कर रहा है। ठीक है, माइनस एम और प्लस एम, तो ये दोनों आपके माइनस एम इफेक्ट को शो कर रहे हैं। ठीक, कह रहे जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किसी परमाणु या समूह से दूर होता है, किधर होता है, परमाणु या समूह से दूर होता है, तो इसे कैसे कहते हैं हम, प्लस का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्लस का प्रभाव शो करता है, और जब किसी समूह या परमाणु की ओर होता है तब इसे हम कैसे कहते हैं, ये माइनस का, माइनस एम प्रभाव को शो करता है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर है वो किधर हो रहा है, ओ की ऑक्सीजन की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का शो करेगा। ठीक है, माइनस का प्रभाव कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अमीन, ठीक है, जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है आपका अमीन, माइनस एम प्रभाव डालता है, कैसा डालेगा, माइनस एम प्रभाव डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो बंद बने हुए हैं, ये क्या है आपका CH3, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, अब देखो ये क्या बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका, केवल एक बॉन्ड रह जाएगा। इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, और इस पर कैसा आ जाएगा आपका, माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे भी प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब कोई स्पीसीज अपनी संयोजकता से अधिक बॉन्ड बनाती है तो उस पर कैसा आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, संयोजकता ये हो गया, तो ऑक्सीजन दो बंद बनाता है, यहाँ कितने बना रहा है, तीन, जब ये तीन बंद बनाएगा तो इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल सिंगल बॉन्ड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, देखो ये अच्छे से देखना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड आपका सी एच ओ एच। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो ऑक्सीजन ओ एच ग्रुप जो लगा हुआ है ये कैसा है, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, क्या करेगा, इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को स्पीसीज को दे देगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर आपका आ जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आपके दो बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा सी एच, यहाँ पर कैसा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर सी एच, यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन तीन बंद बना रहा है, तो इस पर कैसा आ जाएगा आपका, प्लस का चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो कैसा आ जाता है, वो क्या दिखाता है, प्लस का इफेक्ट शो करता है, कैसा वो शो करेगा, प्लस का इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं इसमें जो ओ एच ग्रुप लगा हुआ है इसके कारण ये जो आपका स्पीसीज है ये प्लस एम इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट को आपका ये शो करेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और इससे लगा हुआ आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो ऑक्सीजन है ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है,
तो इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक। जब ये खींचेगा तो इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली इसका बन गया जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन से ये आपका सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो इस पर कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा और ये आपका बॉन्ड बना हुआ है। तो ये कैसा शो करेगा, इसमें खींच रहा है, ठीक है। स्पीसीज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है ऑक्सीजन, तो ये कैसा शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।